चिराग यहाँ इस वक्त? ईशानी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? चिराग आया था ना, मैंने उसे जाते हुए देखा। मैं यहाँ पास वाले मंदिर में गई थी, मुझे बुला लिया होता। ईशानी क्या हुआ बेटा? ये चिराग ने किया? उसने तो हाथ में नहीं लगाया पा, उसने मुझे यहां हर्ट किया पा। उसे लगता है कि मैंने उसे जानबूझ कर ये नहीं बताया कि रणवीर ही आर्मी है, ताकि मैं उसके पैसे फंसवा के उसका लॉस करा सकूं। मां मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मां मैं बेटा, अगर वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, इसका मतलब है कि वो आज तक तुम्हें ठीक से जान ही नहीं पाया। उसे लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करती, अपने पुराने दोस्त रणवीर को सपोर्ट करते हो। हाँ, वो कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, बट मैं रणवीर को उसके साथ बुरा कभी नहीं करने दूंगी। रणवीर के पास खुद जाऊंगी और उसे बोलूंगी कि उसे जो बात करनी है मुझसे करे, जो सजा देने मुझे दे, बट चिराग के साथ कुछ ना करे। मैं उसके साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगी। तू बहुत भोली है ईशानी, तुझे नहीं समझ आता कि वो चिराग तुझे यूज कर रहा है, और अब भी तुझे समझाया तो भी तू समझेगी नहीं। पर एक बात की तसल्ली है कि तू अब अकेली नहीं है, क्योंकि जो इंसान तुझसे सच्चा प्यार करता है वो लौट आया है। ये रणवीर भी आप जैसा ही है। आप हमेशा कहते थे ना कि आपका अकेले का प्यार काफी है हम दोनों के लिए, वैसे ही रणवीर का भी अकेले का प्यार काफी है उसके और ईशानी के लिए। जैसे आपने मुझे बचाया था, वो ईशानी को बचाने आए हैं। It's so much fun to work. I know, I love you, Jim. Same yours. Excuse me, ma'am. Sorry, ma'am. पहले आप जिम की मेंबरशिप लीजिए, उसके बाद ही आप एंटर कर सकती हैं। What are you even talking about, huh? Last one week से हम यहाँ पे डेली आ रहे हैं, और आज तुम हमें अचानक से रोक के मेंबरशिप की बात कर रहे हो? Are you even okay? मैम, वो आपका one week का फ्री ट्रायल पीरियड था जो अब खत्म हो चुका है, अब आपको फीस देनी होगी। दिशा का one week खत्म हो गया है ना, मेरे two days अभी भी बाकी है। One day दिशा, one day में हम दोनों सेल्स कर लेंगे। Got it? Bye, come. Hi दिशा. Hi. मेंबर्स बढ़ गए और तुम मुझे रोक रहे हो? In fact, तुम्हें मुझे फ्री एनुअल मेंबरशिप देनी चाहिए, है ना? अब आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। अब या तो आप जिम की फीस पे कीजिए, अदरवाइज जस्ट गेट आउट। ये कैसे बात कर रहे हैं उनसे आप? ओह शिट, ये तो रणवीर का एसोसिएट है। ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं लड़की से? How dare you talk to the lady like that? वजह जो भी हो,
ऑलवेज रिस्पेक्ट अ वुमन बट सर लिसन इनके जो भी ड्यूज हैं मेरे अकाउंट से क्लियर कर दो यू गेट इट ओके सर थैंक्स वाओ इसकी तो गुस्से में भी स्टाइल है आई थिंक ही लाइक्स मी ये अगर पट गया तो शायद इसकी हेल्प से मैं रणवीर पे इंप्रेशन जमा पाऊं हे शानी आ गई तू गुड मॉर्निंग ये ले चाय पीगी गुड मॉर्निंग वो मैं आती हूँ रुक शानी ये तेरे माथे पर ओह माय गॉड तुझे चोट कैसे लगी अरे कुछ भी नहीं है क्या कुछ नहीं है इतनी जोर से लगी है बताना कैसे लगी मैं बस गिर गई थी इसलिए ये सब छोड़ ना आज नवरात्रि का फर्स्ट डे क्या प्लान है तेरे क्या हो रहा है सर तुम लोग काम करने के लिए आते हो या फिर गप्पे लड़ाने सॉरी सर वो हम लोग बस एंड यू तुम्हारे माथे पे निशान कैसे वो मैं गिर गई थी इसलिए ईशानी का चेहरा देखते रहता इतना मैं उसे टॉर्चर करूंगा ना हमारा वो उसके चेहरे पे दिखेगा ये जरूर उस चिराग ने किया है देख कर चलना तो तुम्हें आता ही नहीं है तो फिर गिरोगी ही ना खैर मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है पर एक बात समझ लो ये एक बड़ी कंपनी है और यहां पर लोग काम करने के लिए आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और चोटों की नुमाइश करने के लिए नहीं सो डोंट ट्राई टू रिप्रेजेंट माई कंपनी विथ योर अगली मार्क्स जो बदसूरती बिल्कुल पसंद नहीं है डोंट से अ वर्ड आई एम योर बॉस And you are my employee. मैं जो कहूं तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी तुम इस पर दवाई लगाओ बैंडेड लगाओ जो लगाने लगाओ but just cover it up. और जब तक ये निशान चला नहीं जाता मुझे दिखना नहीं चाहिए Am I clear? जरा सी भी चोट लगती थी तो ये कितना बदल गया ये जो निशान तुम्हें चिराग ने दिए हैं वो दो चार दिन में चले जाएंगे और जो निशान मैं उसे दूंगा वो उसके साथ ही जाएंगे वो जो मरीन ड्राइव वाली प्रॉपर्टी है ड्रॉ द पेपर्स फॉर दैट ऑफ कोर्स आई वांट टू बाय द प्रॉपर्टी एक्सक्यूज मी ओह थैंक यू थैंक्स थैंक्स फॉर व्हाट वो आपने जिम में मेरी मेंबरशिप कराई दैट्स ओके नो प्रॉब्लम वेल आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर मी लेकिन हम आरवे के पार्टी में मिले थे याद है दिशा पारेख यस मैं अच्छी चीजें जल्दी नहीं भूलता आई मीन टू से के How can I forget a beautiful girl like you? वैसे मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है इस जिम में। Well, mostly मैं अपनी पर्सनल जिम में वर्कआउट करता हूँ। आपकी पर्सनल जिम भी है? पर्सनल मतलब मेरी अपनी हुई ना? Yeah, you're right. तो फिर यहाँ कैसे? Actually मैं देखना चाहता था कि ये जगह कैसी है, यहाँ के मेंबर्स कैसे
लगता है आप इस जिम को भी अपना पर्सनल जिम बनाने के प्लानिंग में हो। वाह, दैट्स ग्रेट। आपको कैसे पता कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ? ओह शिट, मैं तो मजाक किया था, पर ये तो सच में जिम खरीद रहा है। ये रणवीर का एसोसिएट भी सुपर रिच लगता है। कुछ कहा आपने? नो, आई वाज जस्ट सेइंग कि आप जिम में काफी इंटरेस्टेड लगते हो। मैं हर अच्छी चीज में इंटरेस्टेड होता हूँ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर इंसान। चिराग की हिम्मत कैसे हुई उसने ईशानी के साथ? पंद्रह मिनट में मिलो। बच्चों को खेलता देख अच्छा लगता है ना, और एक रात में पता चली गया कि बच्चा कौन है और बाप कौन है। अपने पैसे ले और दफा हो जाए यहां से। और एक बात याद रखना, आइंदा ऐसी हरकत की तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? भूल गया, राजा की जान तोते में। बेटा तू आशिक है, आशिक। और आशिक लाइफ में दो ही काम करते हैं, प्यार करते हैं और प्यार में। तू जिंदा लाश है, तेरी एक रात में सारी अकड़ निकाल दी और तू मुझे वार्निंग दे रहा है। यार मुझे लगा तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, मुझे टक्कर देगा, पर तू तो गुड बॉय निकला। गुड बॉय, और लड़कियां मुझ जैसों पे मरती है। Bad guys with the evil heart. वैसे सोचा जाए तो अगर तेरी और ईशानी की जोड़ी बनती है ना, बिल्कुल कमाल की बनती है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। तुम दोनों जिसे प्यार करते हो ना, उनको तुम्हारी कदर ही नहीं है। मुझे उसकी नहीं और उसे तेरी नहीं। वैसे एक बात बताया, तुझे ईशानी में क्या दिखता है कि तू उसे इतना प्यार करता है? हा? अभी तो उसे सिर्फ हाथ लगाया है और तेरा ये हाल है। अपने हाथ जेब में रख, वरना तो सोच नहीं सकता मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ईशानी के साथ अगर तूने कुछ भी बुरा किया ना, इस दुनिया में तेरे लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं हो सकता। ये हुई ना मर्दों वाली बात। लगता है उस चांद पे दाग इस दिल पे असर करेगा। पैसे, अब मेरा सामान वापस कर। इतनी जल्दी पैसे ले आए? पर तुमने तो कहा था नए बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, और इतना जल्दी प्रॉफिट भी कमा लिया। किसके साथ बिजनेस कर रहे हो? कौन सा बिजनेस है? इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है मेरी? अपनी बेटी के साथ शादी करवाना चाहता है। मैं तेरे पैसे ले आया, मेरा सामान दे। मेरी मुर्गी ने सोने के अंडे देने शुरू कर दिए। अब मैं लोगों से पैसे लूंगा नहीं, उल्टा उन्हें पैसे उधार दूंगा। मेरे घर के पेपर्स। चलता हूं, फिर नहीं मिलूंगा।
पंडित जी, आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है। मैंने डिसाइड किया मैं चिराग के लिए खीतरी और गरबी रखूंगी। कहते हैं ऐसा करने से ना घर में सुख और शांति रहती है और सारे के सारे काम शुभ होते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो घर है, जो मर्जी मैं वो करो। हाँ लेकिन तुम्हें देर नहीं हो रही, तुम्हारी मम्मी सोच रही होगी कि ईशानी अब तक ऑफिस से घर नहीं आई। डोंट वरी, मैं उन्हें बता के आई हूँ कि मैं आप सबसे मिल के घर जाऊंगी, बस एक बार चिराग आ जाए तो वो ही मुझे घर ड्रॉप कर देगा। ओके मैं इसे किचन में रख के आती हूँ। हाँ हाँ बाबा आइए चलिए मेरे साथ। कहाँ चलना है? अरे ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप बस चलिए मेरे साथ। अच्छा ये पॉलिश करूं फिर चलता हूँ। अरे बाबा मैंने आपको कितनी बार कहा है, ये सब काम करने के लिए हमारे पास है ना घर पे लोग। अरे बेटा मुझे पता है, पर मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है ये काम बाद में कर लेना फिर, अभी आप चलिए मेरे साथ। अरे जूते तो पहन लूं, इतना उतावला तो बचपन में भी नहीं होता था मुझे मिले ले जाने के लिए। ये बात कुछ अलग है, आप बस चलिए मेरे साथ आइए। अरे सब छोड़िए आप आइए। आइए लेकिन कहां लिए जा रहा है, कुछ तो बता। बचपन में मेले में मुझे अब रावण जलता हुआ दिखाते थे ना, बस उसी तरीके का नजारा दिखाने ले जा रहा हूं। बुरे लोगों के साथ बुरा होते हुए देखोगे आज आप। मां को मुझे और आपको जेल में डाला था ना, अब उनकी बारी है। बेटा तू ये सब भूल क्यों नहीं जाता? देख बेटा न्याय करना और सजा देना सब ऊपर वाले का काम है, और तू उन लोगों को याद करके अपने आप को तकलीफ क्यों देता है बेटा? बात सिर्फ अगर मेरी होती ना बाबा तो मैं कब का भूल गया होता, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया, मेरी माँ को रुलाया, जैसे बिना किसी गलती के उन्होंने हम सबको सजा दी ना, वैसे बिना किसी गुनाह के अब उन्हें सजा मिलेगी। आप चलिए मेरे साथ। मॉम डैड देखो मैं क्या लेके आया हूँ, हैव अ लुक एट दिस। मॉम ये लो, संभालो अपनी ज्वेलरी, और डैड आपके घर के पेपर्स, रणवीर ने सब वापस कर दिया, एवरीथिंग। Really? Yeah? रणवीर ने सब वापस कर दिया? चिराग, I'm so happy for you. तुम्हें आइडिया नहीं कि मैं कितना रिलीफ फील कर रही हूँ। तुम्हें अभी भी मुझसे गुस्सा, चिराग प्लीज मुझे माफ कर दो, I'm really sorry. I promise ऐसा कभी नहीं होगा। कभी गुस्सा कभी प्यार, फायदे के लिए जरूरी है यार। तुम्हें पता है मैं अभी मम्मी जी से यही बात कर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए खेतरी बीजूंगी, तो ये सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ईशानी जब तक तुम मेरे साथ हो ना मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी, आई वाज रियली अपसेट लास्ट नाइट, पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। ओके चिराग प्लीज उस बारे में बात मत करो, उन सबको छोड़ो। और तुम्हें पता है ना आज से नवरात्रि स्टार्ट है और तुम्हें हर रोज मेरे साथ डांडिया खेलने जाना है ना मम्मी जी? हाँ हर डांडिया, हाँ कोई बात नहीं जाओ। अरे यार अब वो फैंसी ड्रेस पहन के इसके साथ रोज नाचना पड़ेगा। यू नो ईशानी मुझे ना तुम्हारे साथ डांडिया खेलने का बहुत मन था, पर तुम्हें तो पता है मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो मैं कहाँ तुम्हारे साथ डांडिया वो सब। मिस्टर चिराग मेहता आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? लेकिन किस लिए? नकली नोट यूज करने के जुर्म में। मिस्टर चिराग यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आप जैसे जिम्मेदार लोगों की वजह से हम मुजरिमों को उनकी असली जगह पहुंचा पाते हैं। कहाँ है वो? लॉकअप में। आपका सब काम खत्म हो गया तो मैं जाऊं? ये क्या कर रहा है यहां पर? लॉकअप में कौन है?